सरप्राइज दिखाती हूँ अभी हम ना खड़े हुए तो बेटा का डब्बा खुला हुआ है सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और आज इतना बड़ा सरप्राइज मिला, मन खुश हो गया। कभी कभी अचानक से कोई आपके घर पे आ जाए ना और कोई आपका अपना, तो कितना अच्छा लगता है। तो मेरे घर पे कौन आया आपको भी देखने के लिए मिलेगा। और श्रीजा मैडम ने यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए सब्जियाँ कट कर रखी हैं, कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हैं। तो यहीं से हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। श्रीजा का ढाबा खुला हुआ है, सरप्राइज दिखाती हूँ अभी हम ना खड़े हुए तो दीदी अभी मैं फोन में बात कर रही थी खुशी से। आज कैसे दीदी अचानक से मेहरबानी हो गई? क्या सरप्राइज दे रहे हो तुम? कुछ वो गौरी तो उठानी पड़ी, गौरी चिगारी मौसी आ गई उनको पहुंची, मौसी आ गई पता नहीं। तो देखा दीदी आ गई, ये मेरी दीदी है सबसे बड़ी वाली दीदी। आप लोगों ने शादी में देखा था ना ग्रीन साड़ी वाली दीदी, ग्रीन साड़ी नाम रख दिया क्या ग्रीन साड़ी वाली? अच्छी लग रही सब, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। रखी है चाय, तो हमारी चाय बन रही है अभी, हमारे लिए सैंडविच बनाया। चलो हम दोनों बहने बैठे खाते हैं। तो श्रीजा ने ही नाश्ता बना दिया और अभी हमने चाय नहीं छानी क्योंकि जी अजी अभी आए नहीं। सो फ्रेंड अचानक से दीदी आई, अच्छा लगा। और एक घंटे के लिए रुकी थी फिर वो निकल गई, एक्चुअली कुछ काम था उनका, तो उन्होंने सोचा मिलते हुए चलते हैं। तो कभी भी अपनों से मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए है ना, कोई रास्ते में तो मिलके जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में हस्बैंड में और बच्चे निकल गए बाहर क्योंकि हस्बैंड को लानी है मेडिसिन कुछ, और हस्बैंड कह रहे चलो बच्चों आओ तुम्हें घुमा के भी लाता हूँ। तो मैं चलो ठीक है, दवाइयाँ भी लानी है। और रात के लगभग 9 बजे से कुछ देर पहले ही निकले थे हम, तो 9 बजे तक दीदी गई थी और अभी मैं और हस्बैंड जा रहे हैं। और मेडिसिन सबसे ज़रूरी चीज़ है, मॉर्निंग की मेडिसिन नहीं है हमारे पास, ख़त्म हो चुकी है ना, और मेडिसिन का टाइम हो गया। अलार्म लगा रखा है, मैंने आपको बता रखा है दोनों फ़ोनों में, तो अलार्म बज गया था 9 बजे का। तो मैं हस्बैंड की दवाइयाँ निकाल रही हूँ क्योंकि दवाइयाँ कभी भी किडनी पेशेंट को बिल्कुल भी लेट नहीं करनी चाहिए। जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है अगर आप 5-10 मिनट भी लेट करते हो ना, आपकी किडनी रिजेक्शन शुरू कर देती है और बहुत डर लगता है उस चीज़ से। तो बस मैं हस्बैंड को दवाइयाँ दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ गाड़ी साइड में करो, पहले मेडिसिन खाओ और उसके बाद में आगे चलते हैं। तो बस यही दोस्तों। बस N1 लेके चला रहूंगा, बस कॉपी N1 नहीं बेटे स्कूल की भी ले जाऊंगी, उनमें से रीडिंग भी तो कर सकते हो ना आप। दवाई का टाइम हो गया है, दवाई का टाइम कभी मिस नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को 5 मिनट भी लेट नहीं करना चाहिए, बहुत डर लगता है ना। तो अभी उन्होंने अपनी दवाई खाई है और हम लोग अभी हॉस्पिटल ही जा रहे हैं क्योंकि इनकी कुछ मेडिसिन खत्म है, वो लानी थी जो कि मॉर्निंग की नहीं है हमारे पास। क्या हुआ? शादी है क्या? अरे वाह शादी है, दूल्हा बेटा। शादी को देख के कोरी कितनी हंसी आती है ना चेहरे पे, खुशी होती है ना। और हॉस्पिटल आ गया है, रास्ते में बारात चढ़ी थी, देख के बड़ा मज़ा आया उसको। और शादी एक ऐसा बंधन है फ्रेंड जिसके बाद में दो लोग बन जाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं जिंदगी भर, है ना, सुख में दुख में। और सुख में तो सब साथ देते हैं लेकिन जीवन साथी वो होते हैं। और मैं पता अभी यहाँ पे हॉस्पिटल आने के बाद ये सोच रही थी कि भगवान बस हमेशा इतनी हिम्मत देना कि इनकी दवाइयाँ चलती रहे, है ना, कभी ये ना कर पाए तो भगवान करे मैं कर पाऊँ। और इसीलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि क्या पता कहाँ पे मेरा लक साथ दे जाए, है ना। और 9 बजे हैं, 9 बजे की दवाई उन्होंने खा ली, 9 बजे की दवाई उन्होंने खा ली है ना, एक भी दवाई बिल्कुल लेट नहीं करनी चाहिए। और बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए इतने समझदार बने कि पापा की दवाई का हमेशा ध्यान रखें, है ना। उनको पापा करते हैं लेकिन बड़े होकर पापा के लिए दवाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है ना। ऐसे मैं बच्चों को हमेशा इनके दिमाग में ये डालती हूँ कि आप अभी पापा अपना खुद कर रहे हैं, हाँ आगे जाके तुम लोगों को करना होगा, इनकी दवाइयाँ नहीं छूटें कभी भी। मैं इनसे कल कह रही थी कि दुनिया में आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, चाहे मैं ही क्यों ना मर रही हूँ जी रही हूँ, लेकिन तुम दवाई मत छोड़ना जी कभी भी। तो चुपचाप बैठे थे, दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए किडनी पेशेंट को, है ना, किडनी रिजेक्शन करने लग जाती है नहीं तो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने बनाया बेसन का चीला और ये चटनी पड़ी थी तो मैं चटनी के साथ खा रही हूँ, है ना। अभी वो बनाए थे ना दही बड़े मैरिज एनिवर्सरी पे, तो उसकी बची हुई थी। और नाश्ता करने के बाद में मैं लगी हूँ सफाई पे, तो मंदिर के पीछे का एरिया क्लीन करना है क्योंकि कल को शिवरात्रि है। तो मैं और सनी लगे हुए थे सफाई में, कुछ वो कर रहा था कुछ मैं कर रही थी, तो यहाँ पर ना ये लगा रहता है मंदिर तो पीछे गंदगी हो जाती है, तो उसको रगड़ रगड़ के क्लीन किया। उसके बाद हम आ गए किचन में, तो मैं कहती बैठे कुछ काम तू कर कुछ मैं करती हूँ, तो मैं यहाँ पर रगड़ रही थी अपनी किचन को।
तो जो टाइल जो रेड वाला हार्पिक होता है ना, उससे ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। मैं उसकी एक बोतल अलग रखती हूँ, जैसे किचन में ज़्यादा दाग धब्बे लग रहे हैं तो आप वो डाल दो तो उससे काला भी नहीं पड़ता। क्योंकि एक दो बार जैसे मैंने कुछ करा ना किसी चीज़ से, आप लोग कह रहे थे दीदी ये नहीं डालना चाहिए, लेकिन जो रेड वाला होता है ना वो पत्थर क्लीनिंग के लिए ही होता है तो वो अच्छा होता है। तो मैं उसको डाल के अच्छे से किचन को रगड़ रही हूँ, किचन बड़ी गंदी हो रही है ना, क्योंकि सर्दियों में मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया होगा रगड़म रगड़ाई का काम, इतनी ठंडी हो रही थी। लेकिन अभी मौसम अच्छा हो रहा है तो ये काम करने में मज़ा आ रहा है। तो ये वाला ब्रश है ना मेरे को इस तरह की क्लीनिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ज़्यादा बैठ के मैं काम नहीं कर पाती, लेकिन खड़े होकर इससे रगड़ दो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। और आई थिंक हर कोई अपनी ना त्योहारों से पहले, शिवरात्रि से पहले, जन्माष्टमी से पहले या नवरात्रों से पहले किचन की धुलाई करता ही है, तो वही मैं कर रही हूँ। किचन की धुलाई करके किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है, कोने वोने क्लीन हो जाते हैं, बस है ही वो वाली सोच कि हाँ किचन क्लीन होनी चाहिए, तो वही मैंने किया। तो आज मैंने यहाँ की पूरी क्लीनिंग की है, रगड़ रगड़ के बिल्कुल साफ कर दिया इसको। सो फ्रेंड्स, कल है शिवरात्रि है ना, शिवरात्रि के दिन होता है व्रत भोले बाबा का, है ना। तो मैंने यहाँ पे मंदिर की पूरी आसपास की एरिया की पूरी क्लीनिंग की, और आज यहाँ पे ना पूरी किचन को रगड़ के क्लीन किया। फर्श कितना साफ लग रहा है अभी, तो उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया रगड़ रगड़ के, तो भी साफ हो गया है। तो और बेडशीट वगैरह भी आज ही चेंज करी है मैंने, है ना। तो कल को भी कर सकते हैं, वैसे कर लेते हैं, व्रत के दिन नहीं भी करो तो भी चल जाता है, लेकिन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा साफ सुथरा सा बना रहता है घर। तो मैंने चेंज की, और वो और देखो चेंज इसलिए की थी क्योंकि मैंने ये ब्लैंकेट वगैरह सब निकाल दिया, अभी ये ऊपर वाली अलमारी में शिफ्ट कर दूंगी। तो आज सुबह से बहुत भागम भाग वाला रहा, मतलब बहुत ज्यादा ही काम रहा, लेकिन अभी काफी चीजें हो गई हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन तो सुबह जल्दी जल्दी ना बस नहा के मंदिर चले जाते हैं घर पर दिया लगा के, तो इतना टाइम नहीं लग पाता। और अगर मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है एकदम साफ, ये वाला एरिया जो है ना बहुत चिपचिप हो जाता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा तेल वगैरह हो जाता है ना, जब बॉटल रखते हैं तेल की या फिर कुछ तेल की डब्बी रखते हैं, कोई भी पूजा होती है तो थोड़ा बहुत तेल गिरता है, बहुत सारी गंदगी फैलती है। और अभी मैंने दिया लगाया है और मेरा सारा काम फिनिश है, अभी मुझे करनी है लंच की तैयारी। अच्छा घर के काम भी कैसे है ना यार, मतलब एक काम खत्म करो दूसरा शुरू हो जाता है, घर के काम खत्म नहीं होते कभी नहीं। अच्छा है लेकिन, है ना, लगे रहते हम लोग। और जब थोड़ा सा और किसी चीज से निपट के आते हैं तो फिर कोई त्योहार आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ डब्बे धो के रखे हैं मैंने, तो ये पहले मैं सोची थी कि इसको रख के आती हूँ, और हस्बैंड भी चले गए अपने काम पे, लेकिन ये ऊपर रखने हैं तो बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। बहुत सारे 7-8 ब्लैंकेट हैं और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं सोचू दोपहर को या शाम को जब बच्चे घर आ जाएंगे ना तो ये वाले काम तब करेंगे। और घर बिल्कुल साफ लगता है, इसको रगड़ रगड़ के धो दो कुछ कुछ दिन बाद, किचन को खासकर, क्योंकि किचन में भी सेम हाल रहता है, चिपचिपाहट हो जाती है कुछ कुछ दिन के बाद। बहुत देर तक काम में लगी रही तो अभी हो रही है थकान, तो अपने लिए एक कप चाय या कॉफी बनाऊंगी और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद लंच की तैयारी करूंगी, क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स देना भी जरूरी है ना। और फिर देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। और कल को है शिवरात्रि, तो थोड़ा सा मार्केट भी जाना ही होता है ना पूजा पाठ का, तो ऐसा कुछ सामान ज्यादा नहीं लाना, लेकिन व्रत का कुछ सामान लाना होता है। और हस्बैंड बोल रहे थे कल मैं भी व्रत रखता हूँ, मैंने कहा हाँ रख के देखना, रखा जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि अगर फास्ट हो, अगर आप बहुत ज्यादा भूखे नहीं रहना चाहते तो बीच बीच में कोई फ्रूट ले लो, है ना, क्योंकि उनकी मेडिसिन रहती है। तो वैसे भी बच्चे ना, पता है जब मेरा व्रत होता है तो बच्चे भी अधिकतर व्रत वाली चीजें ही खाते हैं, और मेरा ऐसा होता है कि मैं 2 टाइम चाय पी पाती हूँ और बस काम में लगे रहते हैं। त्योहार के दिन पता है ज्यादा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, पूरे दिन तो काम में लगे लगे ही निकल जाता है। तो देखते हैं अगर उनकी मर्जी होगी तो वो रखेंगे शिवरात्रि का व्रत, वैसे अधिकतर लोग रखते हैं शिवरात्रि। अच्छा ये वाली जो शिवरात्रि होती है इसका तो मुझे पता था, लेकिन जो सावन की शिवरात्रि होती है ना उसका नहीं पता था मेरे को कि वो भी शिवरात्रि होती है। तो जैसे कि मैं बिजनौर साइड की हूँ तो हमारे यहाँ पे वो वाली शिवरात्रि का नहीं पता। ये वाली शिवरात्रि जो सर्दियों में आती है, महाशिवरात्रि, वहाँ पे बहुत अच्छे से मनाई जाती है, कांवड़ वावड़ खूब आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। और कल सुबह मंदिर जाएंगे और शाम को थोड़ी तैयारी भी करनी होती है। तो त्योहारों से ना एक दिन पहले भी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, बहुत रौनक शुरू हो जाती है। और इवनिंग में मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि मॉर्निंग में ये वाले काम मैं अधिकतर निपटा लूँ, है ना। क्योंकि अधिकतर मैं क्या करती हूँ, जैसे कल व्रत है ना तो मैं रात को मंदिर की साफ सफाई या मंदिर का नीचे वाला एरिया रात को साफ करती हूँ एक दिन पहले, और बिल्कुल सफाई करके रख देती हूँ सारी चीज़ों की। लेकिन रात को मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है अभी, क्योंकि बच्चों को स्टडी कराना होता है, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ये काम कर लेते हैं। अब एक दिन पहले से अच्छे से क्लीनिंग कर लो ना तो सुबह को फिर इतना झंझट नहीं रहता है। और कल दीदी जी अजी आए, अच्छा लगा। और फिर वहां से आने के बाद हम हॉस्पिटल गए, हस्बैंड की दवाई लाए, मैंने आपके साथ में शेयर ही किया। तो कभी कभी हम लोग दिल्ली से मंगा लेते हैं, लेकिन दिल्ली से जब दवाई मंगानी होती है तो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हम लोगों को
है ना जमा करना पड़ता है, लेकिन जब उतना अमाउंट नहीं हो पाता, थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ लानी होती हैं, तो लगभग 1 वीक की या फिर 5-6 दिन की वो हम यहीं से लाते हैं। तो डिपेंड करता है कि मतलब बैलेंस पर डिपेंड करता है, सही बताऊँ तो, है ना, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, तो उसी के हिसाब से, और क्योंकि लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। चलिए वो तो चलती रहेंगी, लेकिन बस भोले बाबा से यही प्रार्थना करूंगी कि इतनी हिम्मत हमेशा दे रहे कि इनकी दवाइयाँ चलती रहें आराम से, है ना, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तो पेशेंट की ज़िंदगी दवाई पर डिपेंड रहती है। एक टाइम की, एक दिन की क्या, एक टाइम की दवाई भी वो नहीं छोड़ सकते और छोड़नी भी नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसलिए बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सपोर्ट किया करो इस शिप्रा को, जिससे कि ये भी थोड़ी सी हेल्प कर पाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये सब हुआ था तो एक अमाउंट होता है जो हमको पे करना होता है, उसकी वजह से भी हम लोगों को बहुत ट्रबल करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, ये टाइम भी निकल जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना, अपना साथ बनाए रखना, है ना, आपका साथ बहुत ज़रूरी है और आई होप आप साथ दोगे हमेशा। ठीक है, चलिए बाय बाय, ओम नमः शिवाय, जय हो भोले बाबा की।